तो आज मेरे पास मेरा दोस्त आया और बोला मुझे खाटू श्याम जी जाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको खाटू श्याम भी घुमाया जाए, क्योंकि मैं वहाँ पास में रहता हूँ। तो मैं चला गया था खाटू श्याम दोस्त को लेके, और वो बहुत ही एक्साइटमेंट था खाटू श्याम जाने के लिए। तो मैं जब गया वहाँ पर, तो वहाँ पर हो रहे थे कीर्तन भजन और श्याम जी बाबा के हो रहे थे गाने। तो मैं जब वहाँ पर गया तो देखा बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ होने के कारण तो मैंने उससे बोला कि तुम वहाँ पर चले जाओ। तो उसने बोला नहीं भाई, मैं आपके साथ ही जाऊँगा। तो मैं भी उसके साथ मंदिर में चला गया, क्योंकि जब मंदिर में जाते हैं तो बिना रहे मंदिर में जाए हम रह नहीं पाते हैं, क्योंकि हम चले ही जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाकर, हमारा दोस्त था वो भी हमारा आ गया। देखो वो भी बीच में वो दिखाई नहीं दे रहा है इतना, लेकिन बहुत ही मंदिर बहुत ही प्यारा सजा था और मुझे मन नहीं हो रहा था बिल्कुल आने का। और बहुत ही अच्छी वहाँ पर जो निकासियाँ थी मंदिर में जो बनाई गई हैं, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये सब देख के मन मेरा बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो आप भी प्रसन्न हो गया होगा, तो बोले जय श्री श्याम, जय हो बाबा श्याम। तो एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि अगर आगरा में रहते हैं आप, तो एक बार मंदिर जरूर आएं, क्योंकि आप सब श्याम बाबा के मंदिर पर आएंगे तो आप बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब आएगी और आपको ये सब देख के बहुत ही मन को शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा। अगर आप बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं अपने लिए तो वो भी आप मांग सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको मंदिर में आके, आप बहुत ही एक माया से मुक्त हो जाएंगे मंदिर में आके। तो वहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि श्याम जी की हमारे वो कृष्ण जी की और गणेश जी भगवान के वहाँ पर बड़े बड़े थर्माकोल की जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी देखने लायक हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और भीड़ इस तरह से थी कि वहाँ पर कुछ लोग तो मंदिर में आते ही हैं दर्शन के लिए, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर आते हैं रील्स वगैरह बनाने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए। वो तो फिलहाल मैं भी तो वहाँ पर वीडियो ही बना रहा था। खैर जो भी है, लेकिन भगवान के दर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है मन को। तो अगर आप आगरा में रहते हैं तो आप ज़रूर आइए। अगर आप आगरा के किसी आसपास के क्षेत्र में, गाँव में या कहीं भी कस्बा में रहते हैं, तो एक बार खाटू श्याम मंदिर इस दिन जरूर आइए। मतलब अब कल का दिन रह गया है होली का, तो आपको जरूर आना है। और ये देखिए हमारे श्याम बाबा जी का निशान दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आप भी जरूर यहाँ पर आए आगरा में, क्योंकि एक बार आप इस बार मंदिर को देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा सजा है। तो जय हो बाबा श्याम। तो मेरा जो दोस्त गया था, तो वो भी बोला मेरी भी वीडियो बनानी है, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना दी थी श्याम बाबा जी के निशान के साथ में, और वो भी बहुत खुश हो गया था। और उसने माथे अपने श्री राधे जी लिखवाया था, तो मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तब लिखवाऊँगा। तो मैंने जब मंदिर गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक वीआईपी पर्सन भी आए थे, जो हमारे हैं एसपी सिंह बघेल। तो वो जब आए तो उनकी शायद हो रही थी वीआईपी एंट्री, तो ये देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वीआईपी मंदिर में जाते हैं तो सब एक समान होनी चाहिए, ना कि वीआईपी एंट्री। और वीआईपी एंट्री में आप गाना सुना ही होगा कि हमारे जो कन्हैया मित्तल जी हैं वो श्याम जी के भजन करते आया था, उन्होंने बोला वीआईपी का मतलब है वेरी इंपोर्टेंट पापी, तो पता नहीं पर क्यों ये सब है। फिर उसके बाद हमें लगा था मंदिर में भंडारा शुरू, तो भंडारा लेने के लिए तो मैं भी भीड़ में लग गया था, और काफ़ी ज़्यादा मशक्कत के बाद मुझे भंडारा मिल गया था ये देखिए। और बहुत ही भंडारा खाने में बहुत ही टेस्टी था, फिर मैंने खाया, ये प्योर देसी घी का बना था और बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।